देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं सपना नायक आपका स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। देर रात तक चलता रहा जनसंपर्क, इसके बाद कार्यक्रम का हुआ समापन। गुना जिले की आरोन तहसील में विगत 7 दिनों से लगातार हर ग्राम के केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं आरोन मंडल के प्रभारी ओएन शर्मा एवं बलबीर सिंह रघुवंशी ने घर घर जाकर पत्रक बांटे एवं पार्टी द्वारा चलाए जा रही योजनाओं को विस्तार से समझाया। इसी के चलते कल भारतीय जनता पार्टी मंडल आरोन के केंद्र क्रमांक 4 और 5 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष अंतर्गत महाजनसंपर्क अभियान का समापन कार्यक्रम रखा गया। इससे पहले ओएन शर्मा जी ने नगर के वार्ड में जनसंपर्क किया, नगरवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। श्री शर्मा ने यह कहा कि हम भोजन के बिना जिंदा रह सकते हैं, पानी के दिन कुछ समय जिंदा रह सकते हैं, पर वायु के बिना नहीं। अगर हम थोड़ी सी देर के लिए अपनी नाक बंद कर लें तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। ऐसे आश्वासन के साथ शर्मा ने हर एक व्यक्ति से कम 2 वृक्षारोपण करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में ओएन शर्मा के साथ आरोन के भाजपा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सबको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी केंद्र में सरकार है और प्रदेश में सरकार, और अधिकतर सरपंच हमारे, अधिकतर जनपद पंचायत हमारी, अधिकतर जिला पंचायत हमारी। मंत्र शक्ति की अगर कोई ने गणना और उनकी इज्जत सम्मान किया है तो माननीय मोदी साहब ने पहले दिन से शुरुआत की है कि हमारी मातृशक्ति का सशक्त होगी और मातृशक्ति की सही दिशा में चलेगी तो होने वाली संतानें भी राष्ट्र के लिए समर्पित होंगी और चीज संतानें होंगी जो देश को नाम करेंगी। इसी मातृशक्ति को मैं बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों का बहुत इस समय योगदान जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने युवाओं के प्रति, अपनी माताओं के प्रति बहुत चिंता से देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि माताएं अगर आगे बढ़ेंगी इसलिए उन्होंने मातृशक्ति के लिए एक से एक योजना है। आज आप सोचो, कल ही परसों एक और नई योजना MSY करके किया, मातृ सशक्त योजना। माता हमारी सशक्त हो उसके लिए उन्होंने उसके, जैसे अगर मान लो डिलीवरी के पीरियड में अगर कंसीव होता है बच्चा उस दिन से उनको 6,000 रुपए से। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। सीरियल मर्डर के लिए जिम्मेदार पुलिस, एक के बाद एक 3 नाबालिग बच्चों की हत्या के मामले में कैंट थाना प्रभारी की भूमिका संदेह के घेरे में बनी हुई है। हेमंत मीना के माता पिता के नाम बताने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार न करना किसी को गले नहीं उतर रहा। उस आरोपी को बुलवा कर बार बार छोड़ देना भी संदेह के घेरे में है। आज इसी बात को रखने के लिए अखिल भारतीय नौजवान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल SP अविनाश सिंह से मिला। इनका आरोप है कि कैंट क्षेत्र में बढ़ते अपराध के लिए भी थाना प्रभारी आशीष सप्रे जिम्मेदार हैं। साथ ही जो 3 बच्चों की हत्याएं हुई उसमें कैंट थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि आरोपी को पकड़कर उसे छोड़ देना किस ओर इशारा कर रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनकी मांग है कि बिना समय गवाए थाना प्रभारी को यहाँ से हटाना चाहिए और साथ ही समस्त स्टाफ में जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ जाँच कराई जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो आखिर भारतीय नौजवान आंदोलन करेंगे। आपको जिम्मेदार मानकर कुछ कार्रवाई की जाए, कहाँ के बहुत बढ़िया कौन ले गया आज अखिल भारतीय नौजवान सभा के बैनर तले AIYF का प्रतिनिधि मंडल SP साहब से मिलने के लिए आया था। जो शहर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है जिसमें पुलिस, गुना पुलिस खास करके पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और यहाँ पर जो क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको लेकर अभी उदाहरण के रूप में हमें पिछले अभी 18 तारीख से अभी तक की 3 बच्चों की, नौजवानों की लाशें हमें देखने को मिली। उनकी हत्या जिस तरीके से किलर सीरियल किलर के रूप में की गई जिसमें थाना प्रभारी कैंट ने कोई सतर्कता नहीं दिखलाई, एक बच्चे को पकड़ करके उसको बार बार छोड़ देना और फिर हत्या करके वापस आ जाना, ये किस ओर इशारा करता है ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इन सब को लेकर के अखिल भारतीय नौजवान सभा ने SP साहब से ये डिमांड की है कि आप तुरंत अति विलम्ब थाना प्रभारी कैंट TI को वहाँ से निलंबित करें या वहाँ से उनका स्थानांतरण करें और पूरे समस्त स्टाफ को इस पूरे मामले को लेकर के जिम्मेदार ठहराया जा रहा और कानूनी रूप से और विभागीय रूप से उचित कार्रवाई करने के लिए, और नहीं किया गया तो हम आगे धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। ठेला संचालक संघ ने कल कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, इसके बाद भी आज ठेला संचालकों को परेशान किया जा रहा है। संघ का आरोप है कि आज कार्रवाई के नाम पर ठेले वालों के तराजू उठाकर ले गए। इनका यह भी आरोप है कि पहले भी मंडी भरी हुई है, अब ठेले वाले अंदर कैसे ठेला लगाएंगे। संघ के नेता हरिओम खटिक ने आज इस बात को लेकर धरना और ज्ञापन दिया। अरे नहीं,
अभी हमने कल ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को और पूरे बाजार के हमने ठेले बंद रखे थे, फल के सब्जी के और ठेले जितने भी थे पूरे बंद रखे थे हमने ठेले और नीचे बैठने वाले। प्रशासन को हमने लिखित में दिया था कि जहाँ से दो दिन में हमको जवाब दे दो हम कहाँ पे जाएं, तो प्रशासन को हमने लिखित में दिया था, हमने जवाब तो दो दिन में दिया नहीं, वो आज भी हटाने आ गए, बुलट मारने की धमकी देने लगे। और ये हमारी तराजू है ना पूरी ठेले वालों को उठा लेगा, तराजू उठाने का कोई नियम नहीं है, ठेले वाले का कांटा ही सबसे बड़ी दौलत है, धंधा उसी से करता है, वो कांटा उठा ले जाएंगे समझ लो इंसान के हाथ काट के ले गए, ये नियम नहीं है कानून का, अगर तराजू उठा उठा के ले जाए कानून तराजू क्यों उठाते हैं, हमारी चालान बना दें, अगर रोड पर चालान बनाए और हम पहली बार रोड पर नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, सही ठेले लग रहा है, मंडी के अंदर पहले से ही मंडी भरी हुई है, मंडी पहले से ही भरी हुई है, मंडी के अंदर जगह नहीं है बिल्कुल भी, पहले ट्रैफिक जाम है और ये ठेले और मंडी में भर देंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा जाम होएगा और प्रशासन को फिर दिक्कत आएगी, इसलिए हम चाहते हैं ये ठेले जहाँ लग रहे हैं वहीं लगे रहें, दुकान बना के दे रहे हैं, ठेले वालों को हम बस शिफ्ट कर दो प्रशासन, हमको कोई आपत्ति नहीं है, जो मैंने कल बोला था यही आज बोल दिया हूँ, मैं आठ ठेला यूनियन अध्यक्ष हरिओम भट्टी गुना से सभी ठेले वालों के साथ में फल वालों को। आज प्रदेश भर की मेडिकल दुकानें बंद रहीं, इस बंद का असर गुना में भी देखने को मिला। आज का ये प्रदर्शन दवाइयों की बिक्री को ऑनलाइन करने के विरोध में है। दवा विक्रेताओं का आरोप है कि सरकार का जो भी फरमान है कि सभी दवाओं की बिक्री ई पोर्टल से होगी, इनका आरोप है कि इसमें बहुत सारी अनियमितता है जिसके चलते ये कानून नहीं बनाना चाहिए। ये ज्ञापन जो है सरकार जो है जो ऑनलाइन बिक्री चालू करने वाली है दवाओं की ई पोर्टल के माध्यम से उसके विरोध में दिया गया है। ई पोर्टल के माध्यम से पहले डॉक्टर का पर्चा आदमी को अपलोड करना पड़ेगा, मरीज को दवाएं देने में विलंब होगा, अति आवश्यक दवाएं देने में विलंब होगा, उसमें ऐसी बहुत सारी खामियां हैं। अभी भी हमारे गांव देहात में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो कंप्यूटर लगा सकें, प्रिंटर लगा सकें, स्कैनर लगा सकें, और भी बहुत सारी इसमें नियमितता है, उसमें रजिस्टर्ड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको रोक पाना का कार्य सरकार का है, ना कि केमिस्टों का। इन सब बातों को ध्यान में रख के केमिस्टों की रोजी रोजगार के संबंध में 10 रुपये की मिलना, दूसरा ई पोर्टल पर जो उन्होंने फीस रखी है उसमें वो भी काफ़ी अतिरिक्त है, दुकानदार डॉक्टर को 300 रुपये देगा इसके बाद। मंगलवार का दिन जन सुनवाई का रहा, इस जन सुनवाई में लोग अपनी समस्याओं के लिए जिला कलेक्टर से मिले। अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जन सुनवाई पहुंचे लोग, एक प्रार्थी जो कि चलने में सक्षम नहीं था से मिलने खुद कलेक्टर राजेश जैन बाहर आ गए। बाबा ये लिस्ट में आएगा तभी होगा, अरे इसमें परेशान मत हुआ, प्रधानमंत्री आवास अपने आप आएगा आपके पास, कोई कैंसिल नहीं कर सकता, मैं ही नहीं कर सकता, सरपंच क्या करेगा। आज जन सुनवाई में भीड़ कम ही रही, कलेक्टर राजेश जैन ने सबकी समस्याओं को सुना और यथाशीघ्र उनके निराकरण की बात दी गई। वहीं PACL कंपनी से पैसा नहीं मिलने पर कंपनी के कर्मचारी आज जन सुनवाई में पहुंचे। PACL कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनका पैसा आज तक नहीं मिला, इस बात को लेकर लोग कंपनी के ऑफिस में जाकर कर्मचारियों और एजेंटों को पैसा देने के लिए परेशान करते हैं, इन एजेंटों को पकड़ रहे हैं, उसका कारण है कि इन एजेंटों ने अपने फायदे के लिए लोगों का पैसा इस कंपनी में लगवाया, जिसकी शिकायत लेकर आज एजेंट और कर्मचारी कलेक्टर से मिले। कर्मचारियों का कहना है कि 2 फरवरी 2016 को एक समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया, लोगों का पैसा लोढ़ा कमेटी ही देगी, जिसकी सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी। जब ये लोग कलेक्टर राजेश जैन से मिले तो गुना कलेक्टर ने कड़े शब्दों में ये कह दिया कि लोगों का पैसा आप लोग दो, क्योंकि पैसा आप लोगों ने लिया था, यदि लोगों का पैसा नहीं दिया तो आप सबको जेल भेज दिया जाएगा। PACL कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी के माध्यम से लोढ़ा कमेटी रिटायरमेंट जब आरएम लोढ़ा कमेटी बनी है जो कि पीएसीएल का पैसा देगी और ये उन्होंने खुद स्वीकारा है। पीएसीएल का पैसा लोढ़ा कमेटी बना कमेटी बन करके उसके माध्यम से पैसा दिया जाएगा। 2 फरवरी 2016 को ये सूचना सार्वजनिक सूचना में निकाला जिसकी सार्वजनिक सूचना है। साथ में अभी तक लेकिन 2 फरवरी 2016 से अभी तक पब्लिक को पैसा नहीं मिला। पब्लिक बहुत ज़ोर से परेशान कर रही, लोग मरने को तैयार है, बहुत बुरी स्थिति में लोग जिए जा रहे हैं। आज कलेक्टर साहब आज कलेक्टर महोदय से जब मिले तो उन्होंने ये कहा है कि आप पैसा इकट्ठे करो, आप खुद दो और नहीं तो हम अंदर करो बंद करो। टोरिया गांव के लोग मिलने आए जिला कलेक्टर से। इनकी मांग थी कि उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। जब इसकी शिकायत सरपंच से की गई तो उसका कहना है कि ये सबके पक्के मकान है इसलिए यहाँ योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कहाँ से आए हो आप? टोरिया से। क्या परेशानी है आप? पूरी पंचायत में साहब किसी को नहीं, एक एक मिनट बंद रहो साहब, पूरी पंचायत में एक भी आदमी को कोई स्वीकृत नहीं हुई है प्रधानमंत्री योजना का। और पूछते हैं तो सरपंच ये कहता है कि आपने यहाँ से कोई लिस्ट नहीं लग रहा है, सबके पास पक्के मकान है इसलिए यहाँ टोरिया पंचायत को कोई भी स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। किसी के रहे तो आपने सरपंच की शिकायत नहीं की? सरपंच से जब हमने पूछा फिर हमने सेक्रेटरी से कहा तो सेक्रेटरी कहता है 10,000 रुपये दो तो हो सकती है तुम्हें और क्या, और उसका कोई ये पहले पैसे दो जिसके बाद में हम फार्म वार्म देंगे और जाना कहते हैं तो चिल्ला के पड़ता है। अभी कलेक्टर साहब को आपने आवेदन दिया तो क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब को आवेदन दिया तो सबकी आवेदन ले लिया, आवेदन लेके हमको एक रसीद दे ये बोला सब हो जाएगा तुम अकेले आवेदन। कुटीर के लिए परेशान होते लोग। इसी सिलसिले में पिपरौदा हाट से लोग जन सुनवाई में पहुंचे। साहब बताएं क्या समस्या लेके आए थे? हमारे साहब गांव में सबको कोठी में लगाई, हमारे पास राशन कार्ड भी है जॉब कार्ड भी है और हमको कोठी नहीं मिली, हम वही दरखास्त देने आए थे। क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं दिया। क्या नाम है आपका? बहरों। कहाँ से? पिपरौदा हाट। एक और श्रवण कुमार, जहाँ सब लोग बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं वहीं एक छोटी बच्ची अपनी अंधी माँ को लेकर सभी काम करवाती है। ऐसा नहीं है कि इस माँ के बेटे नहीं, बेटे तो हैं पर वो साथ नहीं देते, ऐसी बेटी को पाकर ये माँ धन्य हो गई। आज यहाँ ये माँ बेटी जन सुनवाई में अपनी पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए आई थी। बेटा जी स्टोरी किसी को बेटा आपकी मम्मी है, आप मम्मी को खुद लेके जाती हो सब जगह? कैसे लेके जाती हो? आपकी मम्मी देख नहीं सकती तो फिर आप अपनी मम्मी को पूरी मदद करती हो सब कामों में? क्या नाम है आपका? आप पढ़ती भी हो? कहाँ पे पढ़ती हो? बचपन से शुरू से ही मतलब ऐसा है? जय किंगरा, हाँ 3 साल की है। जब से आपकी बच्ची आपका साथ देती है पूरा? और जी ले जाती हूँ, मेरा बड़े बड़े बहन है मतलब 12-12, 10-10 साल की सुबह नहीं जा जय जा। मतलब आपकी बच्ची आपके लिए श्रवण कुमार का काम करती है? और ऐसी बच्ची पाकर आप खुश हैं? शासन से आपको क्या मदद की गुहार है, आप क्या चाहती हैं शासन? पेंशन बढ़वा रही हूं। अभी तक बढ़ी कि नहीं? नहीं बढ़ी, और गैस चूल्हे भी नहीं है, लकड़ियां जलाई कहां डालने से तो 1 साल हो फार्म भर है, 3 बच्ची हैं, कोई धंधे के लिए लोन उठाई बॉल मैनेजर नहीं दे रहा और सब काम होगा कलेक्टर साहब ने मंजूर कर दी लेकिन आगे तक कभी कुछ नहीं हो पाया। साल कुछ नहीं। मुख्य
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन ग्राम पंचायत अजगरा ग्राम अजगरी में संपन्न हुआ। चांचोड़ा विधायक श्रीमती ममता मीना एवं एसपी रघुवीर सिंह मीना द्वारा 222 जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया, जिसमें वर वधु को चांदी की पायजेब, प्रत्येक जोड़ा दूल्हा दुल्हन के कपड़े, पेटी, घरेलू बर्तन, साथ ही 20,000 की राशि वधु के नाम से जमा कराई गई, जिसमें जनपद अध्यक्ष श्रीमती आधारबाई, मंडी अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला नाथू सिंह मीना, जनपद उपाध्यक्ष राम सेवक मीना, भाजपा मंडल अध्यक्ष निक्की राजपूत एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो आज मेरे सामने ये सुंदर सुंदर से तो उन्हें 20 अलग मैं पहुंचा जो मन आ जा रहा है मैं ऐसे के चाटा ने सब अभी चाटा था मैं पर्ची कर रहा हूं उन्हें इधर चाचोड़ा के चार आदरणीय श्री नरबरिया जी हैं जी हमारे आदरणीय हमारे करण सिंह जी पीछे था और हमारे मारे का संचालन कर रहे हैं आदरणीय भाई राम स्वरूप जी नाटक जी म्याना में बह रही ज्ञान की गंगा। विश्व शांति जन कल्याण एवं गौ रक्षा हेतु बाल प्रभु सेवा संस्थान द्वारा गौ रक्षा महायज्ञ एवं दिव्य संगीतमय की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन दिनों म्याना में चल रहा है। कथा का आनंद लेने म्याना की जनता एवं भक्त जन आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा 1 जून तक चलेगी। कथावाचक राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री श्री सच्चिदानंद बाल प्रभु जी महाराज श्री धाम वृंदावन के श्री मुख से कही जा रही है। ये कथा गढ़ी मंदिर सदर बाजार म्याना में कराई जा रही है। म्याना क्षेत्र के ग्रामवासी द्वारा इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। म्याना में आज कृष्ण जन्म उत्सव में महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। हर्षोल्लास से मनाया गया कृष्ण जन्म उत्सव। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। कांग्रेस द्वारा गौ मांस ला सेवन विरोध स्वरूप कराने के विरोध में आज किया गया पुतला दहन। हिंदू जागरण मंच एवं बजरंग दल ने संयुक्त रूप से पुतला दहन कर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फांसी की मांग की। कन्नूर जिले के अंदर इतना घिनौना कृत्य किया गया, गौ हत्या की गई, उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गुना सिरे से उसका खंडन करती है, उसका घोर विरोध करती है और जितने भी लोग उसमें शामिल थे उनको तुरंत के तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी से उन्हें निलंबित करने से कुछ नहीं होने वाला, ना उन लोगों ने माफ़ी मांगी है ना कुछ की है, पुलिस प्रशासन को उन पर तुरंत के तुरंत उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि इससे घिनौना कृत्य कुछ नहीं हो सकता। पूरे हिंदू समाज का उन्होंने जो अपमान किया है, गौ माता का जो अपमान किया है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी को शर्म से अपना काला मुंह कर लेना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो इस देश में इतना घिनौना कृत्य कर रही है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम है रविंद्र भट्ट, जिला संयोजक बजरंग दल गुना। गुना नगर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा 3 दिवस पूर्व केरल की भूमि पर आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली पर यूथ कांग्रेस के नरपिशाचों ने गौ माता को जिस तरह सड़क पर काटा और राक्षस का रूप दिखाते हुए उस गौ मांस का भक्षण किया, स्टॉल लगा करके गौ मांस को बेचा, ये भारतीय संस्कृति पर एक बहुत बड़ा कुठारा आघात है। हिंदू जागरण मंच इसकी घोर निंदा करता है। इस कृत्य से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बता दिया कि हम पूर्ण तरह हिंदू विरोधी हैं, भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं। ऐसा बात भारतीय संस्कृति पर यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया, ये कृत्य संपूर्ण हिंदू समाज पर एक घोर कृत्य के रूप में प्रकट हुआ है। अरे, हमारी भारतीय संस्कृति सदैव गौ माता रक्षक रही है,
गौ माता हमारा धर्म का प्रतीक रही है। 33 कोटि देवी देवता हमारे गौ माता में निवास करते हैं। अरे ये वो गौ माता है जिसके ये जमदग्नि ऋषि से जब सहस्त्र बाहू जब गौ माता को ले गया था तब परशुराम ने सहस्त्र बाहू का वध कर दिया। राजा दिलीप ने गौ माता को बचाने के लिए सिंह के सामने खुद खड़े हो गए। ऐसी हमारी गौ माता के प्रति हिंदू समाज की आस्था है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि ऐसे कुभात आतंकवादी राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ रासुका लगा करके उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए, नहीं तो हिंदू जागरण मंच समूचे भारतवर्ष में घोर आंदोलन को करेंगे। केशव शर्मा, जिलाध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।